दोस्तों, वेलकम बैक ऑन स्टडी सेक्टर। दोस्तों, नोटिफिकेशन वाली रेलगाड़ी में आज हम आपके लिए थोड़ा देर करके ही सही एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। हम जानते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने में हम थोड़ा लेट हो गए हैं। आप तक ये नोटिफिकेशन थोड़ा लेट पहुँच रही है, बट हम लेट ही सही। आज हम उन लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं जो कि इसरो में जाना चाहते हैं और अभी तक उन्होंने वहां जाने की तैयारी नहीं की है। अगर अभी तक आपने इसरो में जाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, नहीं दिया है, तो मेरे ख्याल से मुझे भी अभी तक वीडियो पहुंचाने में देरी नहीं हुई है, ना ही आप तक ये वीडियो पहुँचने में कोई देरी हुई है। तो चलिए जानते हैं इसरो के नोटिफिकेशन के बारे में। और मात्र 3 दिन आपके पास बचे हैं इसरो में अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, बात करते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हुआ था। जी हाँ, इसका एप्लीकेशन 15 फरवरी से शुरू हो चुका था। लास्ट डेट टू अप्लाई इसकी 6 मार्च है, जो कि बस 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट है 7 मार्च तक है। एग्ज़ाम डेट इसमें अभी तक नहीं आई है। एडमिट कार्ड जैसे ही आ जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। बात करें इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जर्नल और ओबीसी कैटेगरी के लिए इसकी फ़ीस 250 रुपये रखी गई है और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए इसकी कोई फ़ीस नहीं है। ऑल कैटेगरी फीमेल्स में इसकी फ़ीस निल है। पेमेंट मोड में आप सभी तरीके से इसमें पेमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं कि आखिर कितनी पोस्ट निकाली गई है। वैकेंसी डिटेल्स में देखें तो 182 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें कि टेक्नीशियन असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, बिल्डिंग अटेंडेंट, कुक, फायरमैन, लाइट व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स ड्राइवर्स के लिए पोस्ट निकाली गई है। इन सभी के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे देख लें, टेक्नीशियन के रूप में 18 से 35 साल का एज क्राइटेरिया रखा गया है और उसके अंदर आपका 10th पास होना विद आईटीआई एनसीवीटी सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड्स होना ज़रूरी है। इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन का जो लिंक अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर आपको इसरो में कितनी सैलरी मिलेगी। जी हाँ, वैसे तो हमने ऑलरेडी ही इसके ऊपर अपना एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें इसरो पर विभिन्न विभिन्न पोस्टों के लिए विभिन्न विभिन्न सैलरीज कितनी होती है वो हमने वहाँ बताई हुई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर टेक्नीशियल असिस्टेंट की सैलरी क्या है। तो दोस्तों, टेक्नीशियल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट दोनों को 7th पे का लेवल पे सैलरी मिलती है, जो कि उनकी सैलरी होती है 44,900 पर मंथ प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव अलाउंसेंस। बात करें हिंदी टाइपिंग की तो 18 से 26 साल एज लिमिट है और लेवल 4 पे आपको इसका पे मैट्रिक्स मिलता है जो कि 25,500 से एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस अलाउंसेंस होता है। टेक्नीशियन बी और ड्रगमैन और फायरमैन, इन सब के लिए अलग अलग सैलरीज होती है। जैसे टेक्नीशियंस के लिए 18 से 35 साल आपकी एज लिमिट है और लेवल 3 पर आपको इसमें सैलरी मिलती है। 21,700 आपकी इसमें सैलरी होती है प्लस अलाउंसेंस। फायरमैन और कुक के लिए आपकी जो एज लिमिट है, फायरमैन के लिए तो 18 से 25 साल और कुक के लिए 18 से 35 साल, और उसकी आपकी सैलरी 19,900 रुपये पर मंथ प्लस अलाउंसेंस होंगी। इफ़ अगर आप हैवी व्हीकल ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर हैं तो उसमें आपकी एज 18 से 35 साल है, प्लस आपको 19,900 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। और एक्स सर्विसमैन जो है गवर्नमेंट के, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। केटरिंग अटेंडेंट के लिए 18 से 26 साल आपकी एज निर्धारित की गई है और लेवल 1 पर आपको सैलरी मिलेगी जो कि 18,000 रुपये पर मंथ होती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो कि इसरो से रिलेटेड आपका जानना ज़रूरी था। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरीके से अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम से अप टू डेट रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें, तो देर मत कीजिए, स्टडी सेक्टर को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।